नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भीम बांध जो बिहार में के मुंगेर में एक अभ्यारण्य है, उसके बीच में एक मंगल वातावरण में योग का मंगल संदेश, आज बात करेंगे ध्यान की। क्योंकि पूरा वातावरण जो प्राकृतिक छटा है वो ही ध्यान मग्न है, जैसे पूरी प्रकृति ही ध्यान के तरफ अग्रसर है, और ऐसे में ध्यान सहज हो जाता है, समाधि सहज हो जाती है। ध्यान को लेकर के कई सारे वीडियो YouTube पे पहले भी जारी किए गए हैं, लोग जारी कर रहे हैं, ध्यान को लेकर के कई कई सारी बातें हो रही हैं। और हमारे यहाँ भी जो योग गुरु धीरज चैनल देख रहे हैं उनकी उत्सुकता रही है कि ध्यान क्या है, ध्यान की विधि क्या है, किस तरह से ध्यान को करें, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से ध्यान की विधि को बता रहा है। ऐसे में ध्यान घटित होने की जगह कंफ्यूजन घटित हुआ है, दुविधा घटित हुई है, ध्यान घटित नहीं हुआ है, या ध्यान के नाम पर हम कुछ करते जा रहे हैं, दरअसल वो ध्यान है नहीं। आखिर ध्यान क्या है? ज्यादातर समय यह हो रहा है कि हम धारणा को ध्यान समझ रहे हैं। अगर पतंजलि योग सूत्र में जो पतंजलि ने 2600 साल पहले धारणा के बारे में बताया, देश बंधुश्चितस्य धारणा, यानी चित्त का मन का एक जगह टिक जाना धारणा है, यानी वो ध्यान नहीं है। अगर हम सोचते हैं आंखें बंद करके हम एक चीज को देख रहे हैं, चाहे वो सांस हो, आज्ञा चक्र हो, कोई बिंदु हो, कोई अग्नि हो, कोई ज्वाला हो, वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। इसलिए कहीं भी आपको कोई भी मेथड बताया जा रहा है वो सिर्फ धारणा का एक चरण है। उसके बाद पतंजलि जो अब परिभाषित करते हैं, हालांकि ध्यान को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि जो परिभाषा में आ जाए, जिसकी सीमा हो, वो ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। जब आप परिभाषा देते हैं इसका मतलब आप उसकी सीमा को तय करते हैं, लेकिन एक कोशिश होती है, कुछ तो बोलना पड़ता है। जैसे हम मिठाई खा के बोले तो एग्जैक्ट जो मिठाई का स्वाद है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो सुगंध लग जाएगी, कुछ तो खबर लग जाएगी मिठाई की, बस वैसा ही है। तो पतंजलि कहते हैं कि तत् प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी जब धारणा अपने लगातार अनवरत स्वरूप में चलती रहती है तो ध्यान घटित होता है, ध्यान किया नहीं जाता है। इसलिए जो जो सोचते हैं कि ध्यान कैसे करें, यह सवाल बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता। कोई कहे हम प्यार कैसे करें, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अगर आप प्यार करते हैं तो इसका मतलब आपने प्लानिंग की है प्यार करने की, और प्लानिंग के साथ जो प्यार होगा वो प्यार नहीं होगा, प्यार के नाम पे कुछ अलग होगा। हम बस एक भ्रम हो गया कि प्यार करते हैं। हम अगर प्लानिंग करें कि आज हम जाके सोते हैं, हम सोने की प्लानिंग करते हैं, सोना एक सहज प्रक्रिया है। हाँ, तैयारी हम कर सकते हैं सोने की, हम बिछावन ठीक से लगा सकते हैं, हम अंधेरे रूम को कर सकते हैं, कहीं से शोर शराबा नहीं हो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, ये सब एक व्यवस्था है, तैयारी है। लेकिन हम जब लेटे रहते हैं तो एक क्षण आता है, धीरे 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 नींद में हम चले जाते हैं, लेकिन उस क्षण का हमको पता नहीं होता है कि हम कब नींद में। अगर आपको पता है कि आप नींद में हैं, इसका मतलब आप नींद में नहीं है, नींद में होने का धोखा है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि मैं ध्यान में हूं, तो इसका मतलब वो ध्यान में नहीं है, क्योंकि ध्यान में आप होते नहीं, ध्यान एक्चुअल में मृत्यु है, आपका होना मिट जाता है, कोरा स्लेट है ध्यान, जिसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान की कोई विधि नहीं है। आप विधि यानी एक सर्टेन तरीका कि मैं ऐसे करूं तो वो चीज घटित हो जाए, यानी 100 डिग्री में अगर मैं पानी को खोलाऊं तो पानी भाप बनने लगेगा, आप भी खोलाएंगे तो वही होगा, ये भी खोलाएंगे तो वही, ये मेरे लिए कानून नहीं है, साइंस नहीं है, सबके लिए। लेकिन ध्यान का ऐसा कोई विधि नहीं है कि मैंने जो सिद्ध कर दिया वही आपके लिए भी है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र, जो तंत्र की सबसे प्रमाणिक पुस्तकों में से, ग्रंथों में एक है, उसमें शिव जी ने 112 टेक्निक की चर्चा की है, लेकिन वो कहीं कहीं विधि नहीं बताया गया कि 112 हम लोग बोलते हैं काउंटिंग के लिए कि ध्यान की ये 112 इशारा है, हम विधि भी कहेंगे तो गलत कहेंगे।
क्यों? वो कहते हैं कि जब भोजन करो पार्वती तो भोजन का स्वाद बन जाना। तो ये कोई विधि है क्या? तो वो विधि मतलब होता है कि करना, आप जतन करते हैं कुछ चीज को करने के लिए और हम स्वाद बन जाएं। जैसे बोलते हैं भोजन में स्वाद, तो भोजन में स्वाद कोई कर सकता है क्या? फील किया जा सकता है, हुआ जा सकता है। यानी मेडिटेशन इज नॉट डूइंग बट बीइंग। मेडिटेशन इज नॉट ए मेथड बट ए मेथडलेस प्रोसेस। यहां मेथड खत्म हो जाता है, फिर सवाल उठता है कि ध्यान तब हो कैसे? अगर कोई मेथड ही नहीं है, कोई विधि ही नहीं है, तो ध्यान कैसे हो? जितने तंत्र की शाखाएं हैं और योग की शाखाएं हैं, उसने कहा कि ध्यान तुम्हारा नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक गुण है आपका ध्यान। उसमें सिर्फ विरोध जो है, अवरोध जो है, उसको हटाने की जरूरत है। जैसे एक कारीगर है, कलाकार है, वो पत्थर को लेता है, एक बड़ा सा पत्थर यहां दिख रहा है, एक कलाकार आएगा उसमें गैर जरूरी पत्थरों को हटा देगा और उसमें एक प्रतिमा निकल आएगी। वो प्रतिमा बुद्ध की हो सकती है, शिव की हो सकती है। आप अजंता एलोरा जाइए, वहां देखिए, वहां क्या किया गया है, पहाड़ों को काटा गया है। तो अगर आप पूछिए कि आपने तो बहुत अच्छे प्रतिमा बना दी, कलाकार से पूछिएगा तो वो कहेंगे हमने प्रतिमा बनाई नहीं, प्रतिमा पत्थर के अंदर था ही, हमने गैर जरूरी पत्थर को हटा दिया। तो बस उसी तरह हमारे अंदर जो गैर जरूरी मन की बुनावट है उसको समाप्त करना है। चैतन्य का जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, जो ध्यान का स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में योगी की परिभाषा ही है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, यानी मन की वृत्तियों का त्याग योग है। और जब मन की वृत्तियां हटेगी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब वो दृष्टा यानी जो साक्षी भाव से बैठा हुआ साधक है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो वो वास्तविक स्वरूप क्या है? वो वास्तविक स्वरूप ही आपका होना है चैतन्य स्वरूप, ध्यान का स्वरूप। इसीलिए जो तंत्र ने, बौद्ध धर्म ने बताया कि ध्यान के लिए बैठो नहीं। हाँ, बैठना एक प्रक्रिया हो सकती है, उसमें से एक हिस्सा। हम जब जब हो, जहां हो, ध्यान घटित हो, वो सोचो। 10 मिनट ध्यान के लिए बैठ गए तो उससे क्या फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाएगा? फर्क तो तब पड़े जब हम घंटों, 24 घंटे के पूरे अंतराल में जब हम ध्यान मग्न हो सके। जिसको कबीर ने कहा कि जब जब डोलू तब तब परिक्रमा। क्या मंदिर में परिक्रमा करने की जरूरत नहीं? अब जहां जहां डोलता हूं लगता है मंदिर में ही, अलग से मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अब तो पूरे चराचर जगत में वही प्रभु विराजमान है। इसलिए अब बस मुझे माइंडफुल होना है। तो चलित ध्यान यानी हम जहां रहें। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में आप जितने देखेंगे, छींक आ रही है, शिव जी कहते हैं कि जो सेंसेशन है उस पर फोकस करो। जब नहाते हो पानी की ठंडक, गर्मी को फील करो। तो जो जो चीज आप जीवन में कर रहे हैं वही ध्यान हो जाएगा आपका। फिर इसके लिए आप सोचिए। तो इसलिए ध्यान कोई मेथड नहीं है। आप ध्यान का मेथड अपनाएंगे तो फिर चूक जाएंगे, आंखें बंद होगी लेकिन विचार आते रहेंगे। और लगातार सीधे ध्यान में अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे, पहले मूविंग मेडिटेशन यानी आसन करते हुए ध्यान मग्न होना कि हम सांस लेते हुए शरीर को मूवमेंट कर रहे हैं और मन लगाए हुए अपने शरीर और सांसों पर, ऑटोमेटिक मन गायब और आप ध्यान में हो गए। इसको चलित ध्यान कहा गया, मूविंग मेडिटेशन। आप भोजन कर रहे हैं, माइंडफुल रहिए, एक एक कोर को ध्यान से लीजिए, भोजन के स्वाद को फील कीजिए, हाथ निवाले को उठा के अंदर डाल रहा उसको देखिए। यानी ध्यान का अर्थ है साक्षी का तुम्हारे जीवन में घटित हो जाना, और वो हर चर हर पल हो सकता है। उसकी कोई विधि नहीं है। आज विपश्यना विधि बुद्ध के नाम पे बताई जा रही है, लेकिन ये ध्यान नहीं, ध्यान के नाम पर कुछ और ही है। क्योंकि बुद्ध की जो विपश्यना थी वो जबरदस्ती नहीं थी। आप ध्यान में सिखाया जा रहा है वहां आज की विपश्यना में कि आपको देखना नहीं है, इनको देखना नहीं है, इनसे बात नहीं करना है, 10 दिन कहीं देखना नहीं है, कहीं उठना नहीं है, ये जबरदस्ती है, ध्यान नहीं है। ध्यान तो सहज है। बुद्ध ऐसा नहीं कर रहे थे कि किसी से बात नहीं कर रहे थे, सबसे मुंह चुरा करके कहीं चुपचाप बैठे हुए थे। ये ध्यान का जो हमने धीर गंभीर प्रकृति ओढ़ रखा है वो ध्यान नहीं है। गोरखनाथ कहते हैं कि हंसो खेलो, बस इसी तरह का ध्यान है।
और कोई अलग नहीं है कि जैसे तुम हंसते हो नेचुरल, इसकी विधि सीख के आए हो क्या? और अगर कहीं हंसी की विधि आपने सीख के आई है तो वो हंसी एकदम से 2% की होगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे अच्छा रोना, वो नेचुरल नहीं लगेगा। इसीलिए ध्यान यानी आप जहां हैं जैसे हैं वहां खो जाइए, दृष्टा बनिए, साक्षी बनिए, देखने वाला बनिए। सिर में दर्द हो रहा है, दर्द को देखिए, फील कीजिए, फिर दर्द दर्द नहीं रहेगा, ध्यान हो जाएगा। एक बार आजमा के देखिए इस प्रकृति स्वरूप को, दर्द को बहाना बनाइए कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, लेट जाइए, देखिए घुटने को, दर्द को बैठ के देखिए। जैसे जैसे आप दर्द को देखेंगे, एकाग्र होंगे, धीरे धीरे दर्द जाएगा, मिटेगा। और क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति एकाग्रता की आने वाली है, और फिर वो ध्यान धारणा बाद में ध्यान में परिलक्षित होने लगेगी, फिर ध्यान आपका स्वभाव हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। हंसने की टीचिंग अगर आप लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, तो वो काम का नहीं है। इसीलिए मेरा एक ही मैसेज है, ध्यान की कोई विधि नहीं है। आप आसन करते हैं मैकेनिकल तो कोई काम का नहीं, आसन को ध्यान की विधि बनाइए। जब उसको फील करेंगे, जब सांसों के साथ आपका तन का मूवमेंट एक तालमेल में आएगा, वही ध्यान है। और इसीलिए पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, यानी शरीर को स्थिर कर लेना, मन का सुख आसन, ये तो ध्यान की स्थिति ही है ना। ध्यान में आप क्या करते हैं, शरीर स्थिर रहता है और मन को आनंद फील होता है, तो वो ध्यान की बात कर रहे हैं। तब तब फिर उसके बाद जो है, कैसे ये हासिल हो, प्रयत्न शैथिल्यम, यानी प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न करेंगे यानी मेथड नहीं लेना, अनंत समापत्ति व्याम, यानी जो भी एग्जिस्टेंस है उसके साथ जुड़ जाना, यही ध्यान है। ततो द्वंद्वो नाभिघाता, आगे पतंजलि कहते हैं, यानी तुम्हारे अंदर का द्वंद, यानी मन, द्वंद तो मन से ही पैदा होता है, सुख दुख का भाव, मान अपमान का भाव, ये सब मन के द्वारा है। जैसे आप ध्यान के अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे, ये भाव तिरोहित होगा, क्योंकि मन मिट गया है। इसलिए मेरे मित्रों साधकों, ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान में होने की जरूरत है। इसलिए हम लोग कहते हैं फॉल इन लव, यानी प्यार में गिर जाना, यानी आप ऐसे नहीं कहते हैं कि प्यार करना, फॉल फॉल मतलब यानी आपकी चाहत नहीं है, आप बस आप मुझे आपसे प्यार हो गया, कोई प्लानिंग नहीं कि मैं आपसे प्यार करूंगा, बस आपसे मिले, आप एक दूसरे से हमारे बीच में प्यार हो गया। तो यही जो है स्वाभाविक गति, यही ध्यान की। इसलिए आप जीवन दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते चलते उठते, फाइल रखते हैं, चश्मा पहनते, हर चीज में खो जाइए, उसमें प्रकट होइए, उसको होश से कीजिए, बेहोशी से कुछ ना कीजिए। बुद्ध के नाक में एक मक्खी बैठ गई थी, उन्होंने हाथ चलाया, हम भी चलाते हैं, लेकिन बुद्ध ने दोबारा चलाया तो उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि दोबारा क्यों, मक्खी तो एक बार बैठी थी। बोला पहली बार मक्खी को जो भगाया वो मैकेनिकल हो गया था, अपने आप यंत्रवत हो गया, मक्खी बैठी हाथ अपने आप उठ गया, नहीं हमको होश पूर्वक मक्खी बैठी, हमको पता चलना चाहिए कि हमने मक्खी भगाई। और यही ध्यान है, यानी जब जब आप होश में होते हैं वो ध्यान है। और होश एक दिन में घटित नहीं होगी, साधना के द्वारा साक्षी का जन्म होगा। इसलिए आसन करते हैं उसको फील कीजिए, प्राणायाम करते हैं उसको फील कीजिए। यहां तो जल्दी जल्दी सिखाया जा रहा है, जल्दी जल्दी आसन करो, 108 सूर्य नमस्कार करो, जल्दी जल्दी सांस लो, ध्यान से दूर हो जाएगा फिर ये मन आपका। क्योंकि चले वाते चलम चित्तम, यानी मन चलेगा तब जब सांसें तेज होगी, शरीर की गति तेज होगी, फिर ध्यान कहां होने वाला। सहज रहो, सरल रहो, और यही ध्यान की सुगंध फिर आपके जीवन में उतर जाएगी। ध्यान हर पल हर क्षण की एक प्रतीति बन जाएगी। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।